दुनिया भर के खुर्जा में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दबंगों की दबंगई का वीडियो। वीडियो में कुछ लोगों ने जमकर लाठी बरसाया और आधा दर्जन दबंग दिखे। बुग्गी वाले को पीट रहे दबंगों को रोकने आए लोगों की दबंगों ने भी जमकर की पिटाई। आपको बता दें कि बुग्गी वाले को पीट रहे दबंगों को रोकने आए लोगों की दबंगों ने की जमकर पिटाई। शिकायत के बाद पुलिस ने अभी तक एक भी दबंग पर नहीं की है कोई कार्रवाई। 3 दिन पहले दबंगों ने दिया था मारपीट की घटना को अंजाम। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। खुर्जा नगर कोतवाली के खीरखानी मोहल्ले का है यह वीडियो। वैसे बुनान सर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। को जो मारा है, किन लोगों ने मारा है, क्यों मारा है? सर एक बुग्गी वाले को मार रहे थे वो, तो हमारे पिताजी ने भी पता कराया। हमारे पिता पिताजी जैसे बदतमीजी करी उन्होंने, फिर मैं गया तो फिर मुझसे बदतमीजी करी। कुछ लोगों ने शांत कर दिया मैटर। उसके बाद आए वो चाकू फाकू लेके, डंडे फंडे लेकर उनका मम्मी बहुत मार लाई। 5 जन जख्मी है, उनके सर पर चोट है 5 जनों के। तो क्या वजह रही झगड़े की जो आपके साथ मारपीट की गई? सर सिर्फ बीच बचाव के चक्कर में मारा हमें। बुग्गी वाले को मार रहे थे, मैं भी पता कराया, चक्कर में हमें मारा। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, मारपीट हो रही है लाठी डंडों से, क्या मामला है सर? 6 जून को बुग्गी को लेकर के खीरखानी मोहल्ले में बुग्गी को रास्ते में आने जाने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ और आपस में मारपीट हुई। तत्काल पुलिस को सूचना हुई, पुलिस ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुँचाया और इस पर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत 6 तारीख को ही कर लिया गया था। जैसा कि आज वीडियो वायरल हुआ है, इसका भी संज्ञान लिया जाएगा, किसके हाथों में लाठी है, किसके किन अभियुक्तों के हाथ में क्या अस्त्र शस्त्र है, इसकी जांच करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई आरोपी पकड़ा भी गया है? अभी लगातार ये लोग दबिश जा रही है, लगातार ये लोग फरार हैं और हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।